सबके अपने अपने मसले हैं, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, तो किसी को इनेलो, तो किसी को जेजीपी पसंद है। बस एक सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि सही कौन और गलत कौन। वजह पहली है किसान, फिर पहलवान, उसके बाद जवान और चुनाव से चंद दिनों पहले टिकट बंटवारे पर संग्राम। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है भारत एट नाइन का। नैतिकता और अनैतिकता के बीच एक समर चल रहा है, बस एक सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि सही कौन और गलत कौन, मुलजिम कौन, मुजरिम कौन, शिखर कौन, शून्य कौन। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट नाइन में, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज हम बात करेंगे हरियाणा को लेकर। देश के दो प्रदेशों के अंदर विधानसभा के चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। लेकिन बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर से ज्यादा हरियाणा सुर्खियों में बना हुआ है। वजह पहली है किसान, फिर पहलवान, उसके बाद जवान और चुनाव से चंद दिनों पहले टिकट बंटवारे पर संग्राम। इन सब खबरों के बीच कई नेता बागी हुए, कईयों ने पार्टी छोड़ी है तो कईयों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराने की कस्में भी खाई। सबके अपने अपने मसले हैं, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, तो किसी को इनेलो, तो किसी को जेजीपी पसंद है। लेकिन हमें किसी पसंद या नापसंद से कोई भी मतलब नहीं, हमें जनता किसको पसंद करती है इससे मतलब है। इन सब चुनावी चर्चों के बीच हमारी टीम रेवाड़ी पहुंची और लोगों से बात की और लोगों से बातचीत करने की कोशिश। आइए सुनाते हैं रेवाड़ी की जनता की आखिर राय क्या है। इस वक्त हम मौजूद है राजपुरा आलमगिरी गांव में और ये गांव रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि रेवाड़ी विधानसभा में अब क्या होने वाला है, क्या हलचल चल रही है, आइए बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है? धर्मपाल नाम। धर्मपाल जी बताइए क्या चल रहा है माहौल? भाई माहौल यो चल रहा है, कह रहे कांग्रेस से कांग्रेस तो ये अन्य पार्टियां भी बिगुल बजा रही है अपने अपने दावे मंसूबे लेकर। भाई सब अपना 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 गीत तो सब गाओगे भाई। अच्छा हाँ, हमारी वोट है फुल फुल कांग्रेस पर। तो क्या विकास कार्य किए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो खूब कर दियो, यो बीजेपी ने क्या कर दियो, साला में एक ईंट ना लगे 10 साल में पूरे गाँव में, बता कुछ भी ना लगे, कुछ भी ना, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हुई बता। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? भाई देखिए भोगो के जब बढ़ेगी जब देखो क्या। आम आदमी का सतीश यादव भी इस बार मैदान में है। सतीश भी है यादव, पर हमने अपने कह दिया, हम तो भाई कांग्रेस के साथ। आप क्या कहेंगे दादा? हम भी एक जोन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है। कौन सी करेगी बढ़िया? मेरे हिसाब से कांग्रेस ही कांग्रेस करेगी। सतीश कह रही बुढ़ापा का 6,000 जांगा, हमने तो वो ही चाहिए अपनी बाहर। रेवड़ी वो आम आदमी कह रही है हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे ना बिजली बादली कहीं दई ना आज तक कहने जाइए के हमने सोलर लगवा रहा बिजली की बाहर। ठीक है भाई, यही बात, यही बात है। गाँव में क्या समस्या आई है बताइए? समस्या लाइट की सबसे ज्यादा समस्या, इनकी छोड़ो ये तो अपनी गीत घर मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा समस्या हमारे गांव में लाइट की। ठीक है, जो अच्छा करेगा ना, जैसे कांग्रेस अच्छा करेगा तो ठीक है कांग्रेस को देंगे, बीजेपी अच्छा करे तो बीजेपी को। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को ही देंगे, अब हमारी बात ये है। ठीक है, हम तो जो अच्छा करेंगे, कौन करे जो हमारे लिए बिजली पानी का सुविधा करे। ये इस बार देगा तो यादव जो करेगा उसको दे देंगे। कोई बड़े तो करेगा, ये बड़ा बनाया तो कर करे, कहीं ना कुछ करो ही ना। कांग्रेस से नाराज है? नहीं, मैं तो किसी से नाराज नहीं हूँ, पर जो अच्छा करेगा बदलाव देख रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ भी सुनो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश उर्फ रिंकू है। अच्छा, क्या क्या लग रहा है इस बार विधानसभा माहौल? विधानसभा का माहौल ये है कि सर इस बार मुझे कुछ असमंजस ही है और मैं जस्ट नाउ आई एम रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आई कैन नॉट डिसाइड वट टू डू वट नॉट टू डू, क्योंकि मैं अभी इस उलझन में हूँ कि मैं किसको अपना समर्थन दूँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, आम आदमी पार्टी के भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं त्रिकोणी मुकाबला जो भी दावे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। हर 5 साल में 10 साल में सरकारें बदलनी चाहिए जरूर जी। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी को 10 साल का कार्यकाल हमने दे दिया जी। तो अब फर्दर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार जो बने पूर्ण बहुमत से बने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, लेकिन इस बार कांग्रेस के जो मैंने उनके जो प्रोपोगेंडा में जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने दिए हैं जो चीज़ें, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार का परचम ले रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आम आदमी भी अपने सीटों पर दम भर रही है? आम आदमी जो अपने सीटों पर दम भर रही है, लेकिन आम आदमी का पब्लिक रिव्यू है नहीं इतना। पब्लिक रिव्यू अगर आप मार्केट में लेके चलेंगे तो जस्ट अभी अग्रिम जमानत पर केजरीवाल बाहर आए
और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की जनता भी मेरे पास काम कर रही। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मेरे पास पंजाब के कुछ लड़के काम कर रहे हो, कह रहे कि पंजाब में अभी धरातल पर काम नहीं हुआ है, पंजाब की गवर्नमेंट जो है, पंजाब के गवर्नमेंट जो अधिकारी है उनको सैलरी नहीं दे पा रही है, जो है फ्री फ्री का कर दिया ना बस में यात्रा, हाँ फ्री की जो रेवड़ी है वो जनता को जो बांट तो दी इन्होंने, लेकिन अब जो सरकारी आदमी है वो परेशान है, तनख्वाही नहीं मिल रही उनको। तो अब मेरा मानना ये है, मैं ब्रीफ में आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं हरियाणा में कांग्रेस को देखना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? प्रमुख मुद्दे कुछ नहीं सर, जो भी सरकारें बढ़िया काम करेगी उन्हीं का सपोर्ट करा जाएगा। जो गांव में क्या समस्या है? गांव में समस्याएं ये है कि हमारे गांव में अभी फिरनी है, सड़कें हैं, नालियां हैं, बिजली की समस्याएं हैं, ये सब ये बुनियादी सुविधाएं चाहिए। ये कौन कांग्रेस करेगी? आप कांग्रेस करेगी, और से संभावनाएं नहीं, औरों से संभावनाएं नहीं। कांग्रेस के विधायक भी तो रहे हैं, विधायक रहे, काम क्यों नहीं हुए? काम पिछले योजनाओं में अच्छे काम करे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं करा। चिरंजीव जो है पिछली बार पहली बार ही विधायक बने थे, उससे पहले उनके पिताजी थे, लेकिन मैं जो मेन जो चेहरा देख रहा हूँ वो दीपेंद्र हुड्डा को देख रहा हूँ सीएम पद के लिए। हाँ, तो मेरा मानना ये है देश में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, लोगों से बातचीत करें, दादा क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आपका थोड़ा? चलिए जी, जो मैंने कहा भाई, युवा है आप, क्या लगता है क्या कोई माहौल नहीं? चलिए आप क्या कहेंगे भाई? कुछ ना कहूं, चुनाव का माहौल, गांव की समस्याएं क्या है? गांव की समस्या पानी और बिजली की सबसे भारी समस्या यही है, बिजली की समस्या है सबसे मोटी। कौन करेगा अच्छा भाई? जो जो जीतेगा वही कर लेगा, जीतेगा आप जिताएंगे तब जीतेगा ना, कैसे जीतेगा? भारी नजर में तो कोई ना करे, तो कोई भी बन जियो, कोई भी बन जाए कोई नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर क्या नाम है आपका? परवेश। परवेश जी बताइए, क्या आप युवा है, क्या लगता है कि कौन सी बेहतर सरकार हो सकती है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बेहतर सरकार के रूप में देखे तो वर्तमान में हरियाणा में दो ही पार्टियां हैं, जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो उनका तो वर्चस्व खत्म ही हो चुका है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस, ठीक है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा क्षेत्र बेसिकली अहिरवाल क्षेत्र है जी। और दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है जी। तो पिछले 10 साल से भी हम ये देख रहे थे, जो 2005 से 2014 तक के बीच में ये था कि हमारे साथ क्षेत्रवाद का शिकार हुआ, क्षेत्रवाद का शिकार हुआ। तो युवाओं के लिए बेहतर सरकार किसको मान रहे हैं आप? युवाओं के लिए बेहतर तो भाजपा का ही विकल्प है, भाजपा का विकल्प है। हाँ, भाजपा का, क्योंकि एक समय ऐसा था हरियाणा में, हम यहाँ भाजपा की सरकार रहते कई युवा ऐसे देखे जाते हैं, वैकेंसियां नहीं आती है, रोजगार नहीं मिल पाते हैं, ऐसे युवा भी शिकार होते दिखाई दिए और युवाओं ने कहीं ना कहीं आरोप लगाए, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो मैं आपको ये बता दूं जी, मानना कि भर्तियां कम निकलती है, लेकिन एक समय ऐसा था पूरे हरियाणा में एक क्षेत्र विशेष के ही लगते थे, एक जिला विशेष के लगते थे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ऐसा था, वाटर सप्लाई के जो हेल्पर थे वो भी एक जिला विशेष के ही थे। चलिए आप युवा की नज़र से बताइए कि इस रेवाड़ी विधानसभा में क्या कुछ ऐसे विकास कार्य होने चाहिए जो क्षेत्र को विकास की प्रगति पर ले जा पाए? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी का अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए जी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी मानते हैं, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जी। और फंडिंग अच्छी मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, महेंद्रगढ़ से लेकर इस साइड गुड़गांव तक, तो ये होना चाहिए। और रेवाड़ी में जाम की बड़ी समस्या है, जाम ज्यादा लगता है, रोड जाम हो जाता है, तो उसका समाधान होना चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे, क्या लगता है भाई, क्या स्थिति देख रहे हैं? कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस को देंगे, लेकिन युवाओं के लिए बेहतर कांग्रेस कैसे है ये बताइए? बेहतर सरकार मेरे मानना थे 5 साल, जिस प्रकार राजस्थान का सिस्टम चल रहा है 5 साल चेंज होनी चाहिए सरकार, हर पाँच साल में बदलाव होना जरूरी है, कि निरंकुशता नहीं आएगी शासन में, जिस प्रकार की निरंकुशता, जिस प्रकार से बीजेपी 10 साल से सीटी एक बार हुआ 2023 में, हम खुद उस भर्ती के शिकार है, अब तक भी 4 गुना की जिस पॉलिसी का दुनिया भर के कोर्ट केस है, 2 बार पेपर कैंसिल हो चुका है, चंडीगढ़ जाते हैं बहुत बार, अब भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम सब कुछ है, ज्वाइन कर। तो आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो कांग्रेस का शासन इसमें रहा, बीजेपी का रहा, अब आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही, क्या लगता है कि उसको भी मौका मिलना चाहिए? आने वाले 10-15 साल में आम आदमी पार्टी ग्राउंड क्लियर कर लेगी अपना, बाकी उन्होंने मेहनत करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में उभर के आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों
क्योंकि सतीश यादव अभी मैदान में है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेहरा अच्छा है पार्टी से, जो लोग नाराज हैं लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा अच्छा है विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ थिंक राजनेता कोई बढ़िया नहीं जी, राजनेता कोई बढ़िया नहीं जी, बाकी नेता 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 नहीं होने, नेता भाई होना चाहिए कि कभी मिल सको। तो कौन होगा वो भाई? यहाँ तक तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो एक नेता इंद्रजीत, वो भी एक हमारे उसमें तो डॉक्टर बनवारी आते थे, वो हम 10 साल में एक भी बार हमारे गांव की विजिट नहीं हुई। चलिए और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, युवा हैं, क्या कहेंगे युवा की नज़र से रेवाड़ी विधानसभा में क्या माहौल है? एक्चुअली मैं तो पटौदी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ पर बीजेपी की तरफ का रुझान है, तो हमारे वहाँ पर वही जो अभी क्या पिछली बार खड़ी हुई थी बिमला चौधरी जी, हम तो उनको ही। हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? हरियाणा में बीजेपी की सरकार ही। दादा आप क्या कहेंगे? बीजेपी। चलिए दादा क्या नाम है? जस्सू राव जी बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। क्या चल रहा है अच्छे में, किसका अच्छा चल रहा है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। चौटाला जी का जी, चौटाला जी को क्यों देख रहे हैं? किसानों का सच्चा हितैषी है तो वो आल हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है जी। चौटाला जी, बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं लोग, आम आदमी की करते हैं, आप चौटाला जी की कर रहे हैं, क्या लगता है? बीजेपी से उठा लो, कांग्रेस से उठा लो, रेवाड़ी का हाल बता देगा कि इन्होंने कितना विकास किया है। कोई विकास नहीं किया यहाँ पे, कोई विकास नहीं। लोग कह रहे हैं कि सड़कें बना दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधार दी, रोजगार दे दिए, क्या मांगते हैं? स्वास्थ्य विभाग की बात करते तो मेरे गांव में CHC मीरपुर में उनकी चल के आप दूरदर्शा हालत देखो, डॉक्टर रुक नहीं सकते वहाँ पे, बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार हो रही हो। कहीं ना कहीं विकल्प की बात कर रहे हैं आप, तो आम आदमी के कैंडिडेट भी हैं इस बार मैदान में, सतीश यादव, क्या कहेंगे उसको लेकर? सतीश यादव दबंग नेता है एक जी, सतीश को लोगों ने बहुत मौका दिया जी, अब की बार सतीश बाजी लगा सकता है, पार लगा सकता है बीजेपी की फूट के कारण सतीश यादव। सतीश यादव को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। सतीश यादव में क्या संभावनाएं देखते हैं कि वो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं? सतीश यादव दबंग नेता है, उसका जैसे दबंग नेता कोई नहीं है, वो हर किसी की बात सुनता है और काम करता है। बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी लग रही है आपको? सारी नाराजगी भाई साहब, इनसे तो कोई राजी है ही नहीं, कोई भी कोई बात मुद्दा उठा के देख लो हर तरह फेल है ये। मतलब आपके मुताबिक दिल्ली वाला झाड़ू रेवाड़ी में चलेगा इस बार? पूरी तो नहीं गए, मैं तो अभय सिंह चौटाला को लाइक करता हूँ यहाँ से सिर्फ एक, अगर यार हरियाणा में कोई नेता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। आप क्या कहेंगे दादा, किसकी बना रहे हैं सरकार? सरकार तो जी कांग्रेस की। कांग्रेस की दादा कह रहे हैं चौटाला जी। अब वो भाई साहब का विचार, मेरा विचार ना मिल रहा। नहीं मिल रहा ना मिल। तो आपके विचारों से कौन होना चाहिए? देखो जी, कैप्टन अजय सिंह का लड़का चिरंजीव राव बनेगा, वही बनेंगे, बनेगा जी, सॉलिड ठोक के बनेगा। तो बीजेपी से क्या नाराजगी? ना बीजेपी से कोई नाराजगी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां नहीं मिली युवाओं को और भाजपा में मिल गई है, क्या कहेंगे? देखो, नौकरी तो ना बीजेपी में से और ना कांग्रेस में, हमारे लिए तो सेना है जी, सुन लो रन जी, बाकी सबके लिए है। और आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? देखो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़िया सरकार बना रही है जी, और शायद से इब भी होशके से पार हो जाएगी। पार हो सकते हैं? हाँ जी। सतीश यादव दिल्ली में पर अभी आप कह रहे हैं यहाँ यादव नहीं होगा, सतीश यादव नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी को पसंद करें ना करें लेकिन व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं। हाँ, वैसे दबंग नेता है जी, हाँ, हर चीज में। कैसे दबंग, कैसे बताएं थोड़ा? भाई अपना वो मैं बलबुत्ता पे अच्छा नेता है, बढ़िया है, काम कर सकते हैं क्षेत्र के, काम भी कर सकते हैं। तो फिर मौका मिलना चाहिए? मौका उसको मिला था, उस टाइम वो रह गया, अब देखो दोबारा मौका तो ऊपर वाले के हाथ में है, देता है कि नहीं देता, जनता के हाथ में। वोट ये भी सतीश यादव को देगा अगली बार, भाई भी हमारा वोट सतीश यादव को देगा, वोट सतीश यादव को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। तो फिर बात तो किसी और की कर रहे हैं भाई, ये तो करते, देखो ये तो चलेगी, तो चलेगी वोट सतीश, ये चलेगी भाई, मतलब सतीश यादव के पक्ष में आप? नहीं, वो तो बनना तो कांग्रेस का है, पक्ष में किसी पक्ष में नहीं, लेकिन सतीश यादव को आप कहीं के सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सतीश यादव बनना चाहिए? नहीं, बनना तो चाहिए, हमारे एक दो वोटा थे भाइयों की थे मेरी, एक एक मत विधानसभा या किसी भी चुनाव में एक एक मत महत्वपूर्ण होता है और एक एक मत से पलड़ा पलट भी सकता है। अरे हो जाए, तो फिर क्या देखते हैं? देखो, सतीश यादव का पलड़ा भारी कर रहे हैं? देखो जी, वैसे कर रहे आप, कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, पर वैसे बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, लेकिन सपोर्ट में है,
वहाँ सपोर्ट में। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या नाम है दादा? रामचंद्र। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल? देखो जी, मैं तो इतना बता नहीं सकता जी, क्योंकि मैं इतना घूमता फिरता नहीं हूँ। फिर भी अपना मन तो होता है ना कि इस बार ये अपन क्षेत्र में जाते हैं, ये विकास कार्य के झूठे वादे किए, विकास नहीं हुए, वो तो आप देखते ही होंगे। वो तो आपके मैं धन्यवाद देता हूँ आपको जो रिपोर्टर की तरफ से। दूसरा मैं हूँ डिफेंस का जी। और हमारे जैसे भाई साहब प्रधान है, और ये मैं तो अभी रिटायर हुआ हूँ, और फिर उसके बाद आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर सियोल में दारोड़ा अमूल में मैं एसओ लगा हुआ था जी। उसके बाद अभी मतलब रिटायर हो चुके हैं। हाँ जी, कल हमारे दो रिटायर्ड अफसर से बात हुई, उन्होंने अपने खुल के निजी विचार रखे कि इस राजनीति में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नया हो सकता है, वो बातचीत रखी, आप भी रख सकते हैं। देखो जी, बातचीत तो ऐसा है जैसे हमारा परिवार में जैसे चलता है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव देश को समर्पित रहा है। नहीं, वो तो बात ठीक है, हम ऑल इंडिया घूमे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ से हम आपके सहमत हैं सर, लेकिन जैसे हमारा परिवार चलता आएगा उसके पीछे हमने जाना पड़ेगा। तो कौन हो सकता है? अभी भाई साहब ने कहा अभय चौटाला है जैसे मान लो, और जैसे उनके मर्जी जैसे वो जैसे चल रही है। यादव कह रहे हैं, ये भाई तो अपना अपना विचार होता है। आपका क्या लगता है? मैं तो अपने परिवार की तरफ से जाऊंगा ना, जैसे मेरा परिवार चाहेगा वैसे मैं चलता रहूंगा। चलिए, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, यहाँ की जनता ने ना कांग्रेस बीजेपी की जो टक्कर चल रही है देख रहे हैं, बट इस बार एक युवा नेता भी उठ रहा है, सन्नी यादव। सन्नी यादव का नाम भी चल रहा है। हाँ, मेरा थोड़ा सपोर्ट उसकी तरफ है, युवा है, साथ के हैं, तो कांग्रेस को भी कई सालों से देख लिया है, तो ठीक है अपनी जगह दबाएंगे, सब कुछ है। बीजेपी को देख लिया, वो भी अपने बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा अपनी तरफ से हम उम्मीद करेंगे सन्नी यादव अगर कुछ निकल जाए तो बदलाव की तरफ जाए, तो सतीश यादव का नाम भी आता है। सतीश यादव जैसे भाई साहब ने कहा, दबंग ईमानदार बढ़िया नेता है, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां तक हम उसे देख रहे हैं। हमारे मन में इच्छा है वो आए, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा, मुझे लगता नहीं कि वो निकल पाएगा, बट ईमानदार नेता है, इन सबसे बढ़िया नेता है, तो मौका तो मिलना चाहिए फिर। अच्छा, हाँ, मौका मिलना चाहिए, पर अपने अपने विचार है, क्योंकि अब सन्नी यादव हमारे साथ यंग का है तो हम उनके साथ हैं, भाई साहब चौटाला जी के साथ हैं, तो वो सब अपना 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 अपना। क्या हरियाणा में किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस निकलेगी, कांग्रेस बना लेंगे। चलिए, और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना मन है, और क्या मन में है वही जान रहे हैं। आइए दादा, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है यहाँ। टक्कर? हाँ जी, और मेरे विचार से कांग्रेस का ही यहाँ पे बोलबाला है, कांग्रेस का ही जोर होना चाहिए। हाँ, विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ क्षेत्र के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो अब तक विकास के तौर पर गिनाए गए, बुनाए गए, लेकिन अब तक नहीं हुए? यहाँ पे पहला मुद्दा एक शिक्षा का भी है जी। उधर देखिए, गाँव सुनारिया के अंदर एक प्राथमिक स्कूल था जो बीजेपी सरकार के अंदर बंद हो चुका था। दूसरा मुद्दा रोड का है। मेरे हिसाब से 1947 से हमारा एक रास्ता है असदपुर से खटावली, जो आज तक हर सरकार आली, किसी भी सरकार ने उस रोड को आज तक नहीं उठाया, किसी ने नहीं बना के दिया। सभी मतलब अपने भाषणों के अंदर पब्लिक को ये दिलासा देते रहे। ये जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उम्मीदवारी के पेश करने के बाद जनता के बीच जाते हैं तो लंबी फहरिस्त लेके जाते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे, जनता को लोग प्रलोभन देते हैं, मंसूबों पर खरा उतरने की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव निपटते हैं कहीं ना कहीं किस्सा कुर्सी का खत्म होता है और कुर्सी मिलते ही गायब हो जाते हैं, क्या यही कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब की जो ये सरकार थी 10 साल से जो जनता इस सरकार को झेल रही है जी, इसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ वादों की सरकार रही है। कोई मेरे हिसाब से कोई जो धरातल पे जो काम था जी, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का रोड का काम था जी, वो नहीं हो पाया, शिक्षा का काम नहीं हो पाया। क्षेत्र के लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद यहाँ काम नहीं हुए, किसको नाकाम मानते हैं? नहीं, कांग्रेस का भी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ यह बैक स्टेप रहा है इसके अंदर कि कांग्रेस ने कमजोरी, बिल्कुल उनको भी कमजोर रही, लेकिन वो भी अपना इसको कर नहीं पाई। उन्होंने एक रोड दिया था उस टाइम नेरपुर यूनिवर्सिटी से लेके धारवाड़ा, एक उन्होंने वो रोड स्वीकृति करी लेकिन नाम काम नहीं, वो बनाया जी, वो रोड बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उसकी एवज में एक जो रोड जो काफी टाइम से मुद्दा चल रहा था उसको छोड़ दिया, वो रह गया था, मुद्दा हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भटक गया। अब क्या लगता है कि आपने कहा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नाकाम रही, भाजपा भी नाकाम रही, अब विकल्प होगा या फिर वही चेहरे दोहराए जाएंगे?
नहीं, ऐसा है कांग्रेस नाकाम रही थी इसलिए कांग्रेस 10 साल पीछे रही जी। लेकिन अब उम्मीद देख रही है पब्लिक की कांग्रेस दोबारा से आके और जितने वादे किए जा रहे हैं और जो पहले किए गए थे उनको पूरा करने का। अब कुछ विकल्प में सन्नी यादव को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सतीश यादव को देख रहे हैं, क्या कहेंगे सतीश यादव को लेकर? देखिए सतीश यादव जी ठीक है, वे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बाकी पब्लिक का मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे थोड़ा कम ही मन लग रहा है, कम मन लग रहा है। हाँ जी, चलिए हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए भाई आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। क्या लग रहा है कौन होगा विधायक रेवाड़ी विधानसभा का? रेवाड़ी विधानसभा में तो मेरे को तो कुछ अभी लग नहीं रहा है इतना कुछ, लेकिन सतीश यादव जी बहुत ऊपर जाते दिख रहे हैं मेरे को। सतीश यादव दिख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं आप सतीश यादव को ऊपर जाता हूँ? सतीश यादव जी का एक तो मैं यहाँ डेली देख रहा हूँ, हर गांव में जाके डोर टू डोर वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चे और लगातार बुजुर्ग साथ है उनके। ठीक है, आम आप भी साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों? मैं तो कल भी मिला था सतीश यादव जी से अपने यहीं अड्डे पे जी, तो कल उनसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। मतलब ये जितनी भी टीम उनके साथ काम कर रही है बहुत अच्छे विचारों से काम कर रही है। लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि विकास के वादे दावे मंसूबे, और आप सतीश यादव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ओनली सतीश यादव जी। सतीश यादव जी ही रेवाड़ी के आने वाले विधायक। सतीश यादव को मान रहे हैं तो टक्कर किन में होने वाली है? टक्कर तो कांग्रेस पार्टी के साथ है सतीश यादव। बीजेपी कहाँ देखते हैं? बीजेपी तो नथिंग है, बीजेपी कुछ नहीं है जी, बीजेपी नहीं है जी, ओनली सतीश यादव और कांग्रेस की टक्कर है। संभावनाएं क्या देख रहे हैं सतीश यादव में? सतीश यादव जी 100% जीतेंगे जी हमारी। काम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए? सतीश यादव जी काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं करा सकता रेवाड़ी क्षेत्र में, आज तक काम नहीं हुआ। कह रहे हैं कि झाड़ू चलना नहीं हरियाणा, झाड़ू चलेगी हरियाणा में अब की बार, रेवाड़ी में झाड़ू ही चलेगी, झाड़ू चलेगी बिल्कुल, सफाया करेगी सबका बिल्कुल, झाड़ू से। 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएंगे? कम से कम भी नहीं तो 50 सीट पार है जी। 50 सीट है 90 में से? बिल्कुल, मतलब सरकार इनकी बन रही है बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। चलिए और लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुगन सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं क्या देख रहा हूँ भाई, चुनाव आपके क्षेत्र का है, आप अनुभवी हैं, आपने कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, कई विधायक बनते बिगड़ते देखे हैं, क्या लगता है इस बार कौन होगा विधायक रेवाड़ी से? जी लक्ष्मण, लक्ष्मण जी। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस से होंगे राव चिरंजीव, कुछ लोग कह रहे हैं सतीश यादव होंगे, कुछ चौटाला की भावना, क्या कहेंगे क्या कहेंगे दादा? जो बात सच्चाई है बोलो ना, सतीश यादव ना, सतीश ने कहते बाबा कैसी नहीं, कौन होगा विधायक? मारा हिसाब से तो जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में क्या खासियत देखते हैं, क्यों उसको ऐसा देखते हैं कि विकास के तौर पर देख रहे हैं? काम करया तो खूब ही, मोदी ने जितना काम करया कहीं प्रधानमंत्री ना करया। दादा बता रहे हैं कोई सड़क नहीं बनी इस गांव की, सारी सड़क बन रही थी कि कौन कैसे, क्या कहेंगे? असदपुर से खटावली वाला रोड 1947 से आज तक ऐसे ही पड़ा दगड़ा का दगड़ा, वहाँ से आम आदमी निकल भी नहीं सकता। क्या कहेंगे दादा, सड़क नहीं बनी? सड़क वह 47 में तो कच्ची थी कि कैठा तो बनेंगे, खटावली तक तो बहुत बढ़िया बन रही थे, जो रोड 47 में बने तो नहीं कह रहा हूँ, 47 आजादी से तो आजादी से आज तक देश आजाद, इनका कहना है देश आजाद होने के बाद आज तक वो सड़क नहीं बनी, सरकार बनने से पहले दावे मंसूबे होते हैं उम्मीदवारों के लेकिन नहीं बनी। यादव जी ना बाबा सरकार गेट तक नहीं कर रही यूनिवर्सिटी के रोड की तरफ, क्या कह रहे हैं आप? सतीश यादव जी आते ही अब की बार तुम्हारी सड़क बन जाएगी, ये कह रहे हैं सतीश यादव बनाएंगे। चलो जी अच्छी बात है भाई साहब, हम चाहेंगे कि भाई साहब उस पे थोड़ा विचार करवाएं अगर उनकी सरकार आती है तो। आप सपोर्ट करो भाई सतीश यादव को, आपका हर काम होगा, जो काम रुका है वो सब काम होगा, एक बार भाई से जाके बताना, हल्के से सुविचार से कानों में निकालना, आपका काम 100% होगा। बीजेपी का एक मुद्दा है सर मेरे पास, खट्टर ने तो नहीं करा काम, देखो भाई क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार ने अभी बीजेपी से मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक योजना का प्रसार किया जी। ग्रामीण आवास योजना जी। ग्रामीण आवास योजना तो प्रधानमंत्री की भी है, सॉरी वो भी प्रधानमंत्री की भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ, तो वो योजना यहाँ पे लागू नहीं हो पाई जी।
सुनारिया और असदपुर पंचायत के अंदर। क्या कारण मानते हैं उसका? कारण ये है कि पंचायत ने ही लिखवा दिया कि भी हम मतलब बीपीएल को प्लाट नहीं देंगे। उन्होंने वो तो कहीं ना कहीं सरपंच और ग्राम पंचायत की लापरवाही नहीं, लापरवाही तो है लेकिन लापरवाही के अंदर ये भी तो है ना कि आगे आगे जो बैठे हुए अफसर वो भी तो ये देखे कि भी इन गांवों को क्यों नहीं दिया। कांग्रेस के रहे सरपंच की भी कांग्रेस के रहे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ सरपंच और दूसरे लोग उसी पार्टी से रिलेटेड हो तो उन्हीं का चलता है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी ये दबंगता है कि वो मर्जी आए वहाँ जाके। और ऐसा किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, ऐसा किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभान्वित होने चाहिए वो उनको पक्के मकान, उसके लिए एप्लीकेशन और गांव दोनों गांवों के साइन और पंचों के साइन करवा के और सीएम विंडो वो मतलब लगी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई देखो होती है कि नहीं होती। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब से, अब की बार मौका दो सतीश यादव भाई को और फिर आप देखना काम आपका होता है नहीं होता है। दादा क्या कहेंगे, पक्के मकान नहीं मिले गांव में? कोई बात ना, खत्म रह ले और बोल, पर राज मोदी को रहनी थी, मोदी का रहेगा डंके की चोट। आप क्या कहेंगे, डंके की चोट मोदी का? देखो बाबा का अपना विचार है जी, हो सकता है कि उनको ये सही लग रहा हो लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि जब तक जो ऊपर से प्रधानमंत्री से जो कोई योजना भेजी जाती है उसको कुछ दबंग लोग अपनी पावर का गलत उपयोग करके और उन पंचायतों को एलिस्टेड करवा देते हैं, जिस कारण आम आदमी मतलब कि प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। कुछ नाकामी ग्राम पंचायत की भी है, कुछ विधायक की बिल्कुल बिल्कुल नाकामी सबसे पहले तो पंचायत की है जी, फिर विधायक की है, क्षेत्र का विधायक है। देखिए वे तो उन्होंने तो मना नहीं किया, हमने उनके आगे बात रखी, राज चिरंजीव आगे बात रखी तो उसके लिए जो साइन वगैरह करवा के हमने जो दिया है उन पे देखो कितना कार्रवाई होती। चलिए यहाँ पर हमने बात की तो फिर राव चिरंजी राव ने काम क्यों नहीं करवाया? अगर आपने बात रखी राव चिरंजी राव के सामने तो राव चिरंजी राव यहाँ आए, आपकी सुनी, आपका ग्राम पंचायत सरपंच साहब ने कुछ कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी। अभी उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई होती है वो तो देखो समय तो लेगा, कोई भी सिस्टम में जाएगा कुछ। दादा क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? रेवाड़ी विधानसभा में तो लगभग कांग्रेस की चल रही है, अन्य पार्टियां भी मैदान में है, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनकी ये कहेंगे नंबर एक तो हमारे यहाँ रेवाड़ी क्षेत्र में बीजेपी वालों ने हमारा जो विधायक तारा है तो यहाँ का नहीं होने के कारण उसका लक्ष्मण बाहरी है, बाहरी की वजह से यहाँ का मिलता तो फिर टक्कर होती या जीत सकते थे। यहाँ बीजेपी पार्टी अपना उम्मीदवार भी किसी को उतार देती, यहाँ के कोई भी उम्मीदवार को, जैसे अरविंद यादव है, रणधीर सिंह है, तो अच्छा मुकाबला होता, संभावना बढ़ जाती। हाँ जी, यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या मानते हैं? यहाँ की स्थानीय समस्याएं तो बिजली और पानी वगैरह की ज्यादा है, बिजली पानी अगर ये कोई पार्टी करती है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे? हाँ, अच्छे काम करती है तो उसके साथ। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, क्या कहेंगे उसको? आम आदमी पार्टी वैसे अच्छी पार्टी है तो उसके लिए अपने दिल्ली और पंजाब में अच्छे काम किए हैं, अगर उन कामों को देखते हुए यहाँ भी अच्छे काम होंगे तो उनको भी वोट। तो सतीश यादव को भी ऐसे मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या लगता है कि सतीश यादव में क्या संभावनाएं देखते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति होने के साथ क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? सतीश यादव पहले भी जिला प्रमुख रह चुका और उनके अच्छे प्रभाव हैं गांव में, इसलिए उनको भी अच्छा लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे मतलब। अच्छा। टक्कर रहेगी? टक्कर रहेगी। तो आप तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं कांग्रेस दिखाई तो दे रहा है ना, कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के सामने पार्टी होने के नाते पार्टी दो ही है, बीजेपी या कांग्रेस। अभी तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो नहीं निखर के आई है ना, पैर पसार रही है। इस बार 90 की 90 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ, 90 की 90 पे उतारे हैं, अभी देखो क्या होता है, क्या होता है आगे देखा जाएगा। हाँ, चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? मान सिंह। मान सिंह जी बताइए क्या माहौल लग रहा है आपकी नजर में रेवाड़ी विधानसभा चुनाव को किस तरह देख? माहौल तो कांग्रेस को ही है, कांग्रेस का है, हम बीजेपी का वोट बीजेपी देंगे हम तो। आप बीजेपी के है, माहौल कांग्रेस का है और ऐसा न हो सीट कोई और निकाल, भारी उम्मीदवार हो गया ना इसमें वोट कम है तो बीजेपी से नाराज है ये टिकट बंटवारे की वजह से? वो टिकट से नाराज है, वोट देंगे बीजेपी की। हाँ, वोट तो बीजेपी की देंगे पर नाराज है।
नाराज है। सतीश यादव क्या देखते हैं? सतीश यादव ठीक है, इस पार्टी का प्रभाव नहीं है, निर्दलीय होता ना। केजरीवाल का झाड़ू नहीं चलेगा, मुश्किल है, पहली बार है ना। दादा कह रहे हैं कि संभावनाएं बढ़ रही है, तो लेगा, बाकी बनेगा नहीं। आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अगर निर्दलीय सतीश यादव आता तो ज्यादा प्रभावशाली रहता। जो ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ठीक है, इसलिए जितनी पहले इसकी वोट आई थी मेरे ख्याल से कमी आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। हाँ जी, ये अच्छा आदमी है, अगर ये निर्दलीय में खड़ा होता तो टक्कर ज्यादा, पहले से भी ज्यादा वोट आती इसकी। ये पार्टी की मात खा रहे, हाँ, पार्टी की वजह से लोग नाराज हैं। इससे आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई देख के खुश नहीं है, प्रभाव नहीं है हरियाणा के अंदर। आप क्या कहेंगे? हम भाजपा के 10 शासन को 10 साल के महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस को दे, मतलब 10 साल का जो शासन रहा भाजपा का, वो शासन में था, कुछ शासन था ये, जब अपने बना हुए 2000 के नोट को भी नहीं चला सके 10 साल, तो कैसे क्या करेंगे? वो तो केंद्र का मामला था, केंद्र के, ये बताओ ना, ये अग्निवीर कहाँ से लाए? भी केंद्र की है, केंद्र की है, तो राजेश्वर की बात करें, विधानसभा की बात, जवान तो अपने 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 हलके के जा रहे हैं ना, अपने अपने हैं बच्चे, तो क्या इस बार कांग्रेस का मामला? सतीश यादव का क्या देखते हैं? सत्य आम आदमी पार्टी का कुछ जनाधार ही नहीं है, और अन्य जो निर्दलीय हैं, कुछ और प्रत्याशी हैं, कुछ नहीं है, टक्कर भी नहीं। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। दादा आपका क्या कहना है? कांग्रेस की ज्यादा वोट, कांग्रेस की आई, क्यों देखते हैं कांग्रेस को आगे है? हैं, कांग्रेस को आगे क्यों देख रहे हैं? और सबके पास कोई दम नहीं है, हैं, कांग्रेस के पास दम है? कांग्रेस पास पूरा दम है। कैसे दम, बताइए जरा। क्यों? बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी ने 10 साल राज करे, उसने कुछ करा नहीं, बाकी को निर्दलीय का जीत भी जाएगा, कर क्या लेगा? यहाँ के विधायक तो कांग्रेस के थे, वो विधायक था, विधायक क्या कर सकता है? अब निर्दलीय जीत गया तो क्या क्यों, कर लेगा? विधायक क्यों नहीं कर सकता है? विधायक क्षेत्र के लिए हर काम कर सकता? नहीं 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 कर सकता विधायक, तो जनता सरकार कुछ नहीं कर सकता विधायक, वो विधानसभा तक अपनी बात रख सकता है, रख सकता है लेकिन वो कर नहीं सकता, कर सकता है नहीं, कर सकता है नहीं, नहीं हो सकता है, ऐसा काम संभव नहीं है हिंदुस्तान। क्या करने वाले हैं इस बार? कांग्रेस की वोट देंगे और बाकी क्या? सतीश यादव और ये जो माहौल बना है कि त्रिकोणी मुकाबला, वोट तो खैर उनको भी मिलेगी, वोट तो सबको मिलेगी, एक दो चार तो हर किसी को मिलेगी, हैं, लेकिन टक्कर रहेगी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। अच्छा, हाँ, चलिए दादा आप क्या कहेंगे? बस कह लीजिए, कहने की आप क्या कहेंगे? बस अभी जुमलाबाज पार्टी, क्या बीजेपी जुमलाबाज पार्टी, जुमलेबाज है बीजेपी, हाँ, बताओ अच्छी पार्टी किसको कहेंगे? भाई अच्छी तो ये भी आओगे 10 साल पीछे को कौन सा क्या होगी, अच्छी तो वो होगी जो अच्छा काम करेगी। कौन कर सकता है अच्छा काम? कौन, ये तो देखो जी, राजनीति में सब चोर है, चोर चोर मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। अब मैं आपको बताऊं, ये रोज घोषणाएं हो रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो चला रहा है 2000 रुपया 6000 साल में हर किसान का, मैं बैठा हूँ बहन जो पैर घस गए, कई जोड़ी चप्पल टूट गई, ठीक है ना, आज लग मेरा तो गया ना, और वो मेरे को मालूम होता है कि भाई आप आ रहे हो तो मैं पेपर भी आपको दिखाता, नंबर दो ओड़ा मार गया, सारी इंक्वायरी हो गई, मैं तो एक पैसा आयो कुन्या, अभी जो बरसात लेट होने की वजह से 2000 को करो थो वो ला के दिखाऊँ मैं, एक पैसों ना आयो, वो मैं तो कह रहा हमने 520 करोड़ आदमी खाता, 5,20,000 आदमी खाता हम डाल दिया, तो जुमलाबाद से घोषणा घोषणा करे, हाँ बस आधे आदमी वैसे रह जाते हैं, और रास्ता को आप देख ही रहे हो, रास्ते खराब है गांव के, सब कुछ खराब है गांव को, के भाई गंदा पानी पी रहे हैं, कटी गंदा पानी, बिल्कुल कटी गंदा पानी, क्या करते हैं पानी पीने की व्यवस्था कहां से जुटाते हैं? जुटाओ कोई नई लैंड डबे डबे भाई दो है, तो अभी पानी कहां का पीते हैं? पानी अपन गंदो पी रहा था, और क्या कर रहा था? वाटर सप्लाई का पी रहे हैं, वो वाटर सप्लाई तो जगह जगह फुटी पड़ी ना, वो रुकने के बाद में उल्टा चल जाता है पानी नाली में, और नाली में करके फिर वो नालियों का पानी मिक्स होता है, वही लोग पीते हैं, बीमार होते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, बिल्कुल सारी समस्या बढ़ रही है। तो ये कौन अच्छा कर सकता है? देखो कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस से। दादा आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्या ठीक है? सब ठीक है जी, सबको मिलेगी, आप सबको मिलेगी, समस्याएं बहुत सारी, समस्या तो जी है ही, पानी की भी है, रास्ता की भी है,
अब देखो कौन समाधान निकाल, कौन करेगा, आप वोट किसको करेंगे तभी जाके कहीं के वोट करेंगे और क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनाया जाएगा वही कर सकता है, तो उसके लिए कौन बेहतर होगा? अब तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस की है, कांग्रेस। चलिए, हमने यहाँ के जनता से चर्चा कर रहे हैं लगातार और कुछ लोग और हैं इनसे बातचीत करेंगे। दादा आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को, कांग्रेस, कांग्रेस को। बाकी और भी हैं क्योंकि अपने अपने दावे मंसूबों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे, कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं। 10 साल में कोई विकास ही ना हुआ गांव का, हमारे कोई काम ही नहीं हुआ हमारे गांव में, आप हालात देख ही रहे हैं, पूरे 10 साल में एक भी काम नहीं हुआ पूरे गाँव में। तो ये नाकामी राज्य सरकार की मानते हैं कि क्षेत्र के विधायक की मानते हैं? राज्य सरकार की है जी, क्षेत्र के लिए तो विधायक काम करते हैं, विधायक तो करते हैं लेकिन वो ग्रांट नहीं आते ना उनको, सरपंच राज्य सरकार की कही है, तो पैसे ही ना दिया जी बिल्कुल भी, गांव में विकास कहाँ तो विधायक की भी कहीं ना कहीं नाकामी तो है, विधायक की तो उनको पैसे ग्रांट ही नहीं मिले ना, उनको ग्रांट ना मिले तो पैसे कहाँ से आएंगे जो ऊपर दूसरी सरकार। दादा आप क्या कहेंगे? भाई हमारी सबकी यही बात है, ये सब जो मामला है वो सब देख ही रहे हैं और जो से वोट तो हम सब अपने कांग्रेस रही। आइए बातचीत करते हैं, क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी बताइए क्या माहौल चल रहा है विधानसभा रेवाड़ी का? अभी तो देखो लोगों ने सही सा डिसीजन तो लिया नहीं है। लिया नहीं है? हाँ। कब लेंगे फिर? अभी लोग देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं जी, माहौल के हिसाब से लोग देखते हैं भाई किस तरफ जाएं। ज्यादा समय बचा नहीं है, फिर भी हवा किसकी है चलने लगती है? वैसे तो गांव में थोड़ी कांग्रेस की वोट ज्यादा है, बट लक्ष्मण जी की भी अच्छी वोट है। अच्छा। हाँ, और कुछ हद तक सतीश जी की भी है वो। अच्छी है। हाँ, तीन तीन त्रिकोण है यहाँ, त्रिकोणी मामला देख रहे हैं। हाँ, त्रिकोणी मामला है यहाँ। तो सतीश यादव कल आम आदमी पार्टी के और पंजाब के मुख्यमंत्री समर्थन रैली के लिए आए थे, तो वैसे हमने देखा कि रेवाड़ी में भी काफी भीड़ थी, भगवत मान जी जो ना आए थे तो काफी अच्छा उनका रोड शो था। रोड शो से प्रभाव पड़ना है सतीश यादव का कहीं कहीं जनाधार या वोट पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ना मैं दिल्ली सर्विस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि केजरीवाल के वहाँ काम बहुत अच्छे हैं, वहाँ अच्छे, हाँ बहुत अच्छे काम है वहाँ पे, तो इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लगता है कि दिल्ली वाला झाड़ू हरियाणा में भी चलेगा या पंजाब वाला झाड़ू? यहाँ देखो एक्चुअल में इन्होंने सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे नहीं है, तो सरकार में तो घर कह नहीं सकते, पर ये है कि अपना खाता जरूर खोलेंगे, खाता खोल लेंगे, हाँ, आगे के लिए रणनीति तैयार। हाँ, खाता जरूर खोल लेंगे और करीबन जहाँ तक हमारा आइडिया है 5 से 8 सीटें निकाल सकते हैं। तो क्या ये रेवाड़ी विधानसभा की निकालने की संभावना? देखो जी, कल के रोड शो को देखते हुए जो ना लगता है कि कल जो ना इनका वोट बैंक बढ़ा है जी, और देखते हैं कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो 29 को आएंगे उसके बाद लोगों का और समीकरण बदल सकता है। मतलब रेवाड़ी विधानसभा भी आम आदमी कम से दम दमखम दिखा रही है कहीं ना कहीं। हम तो अगर बाहर का तो हम देख नहीं सकते, बट गांव के हिसाब से त्रिकोणी मामला है, त्रिकोणी मामला है। भैया आप क्या कहेंगे? सतीश के, सतीश के क्या लगता है क्यों बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का देख रहे हैं कई साल से, चंद्रीगांव देख लिया अपने, गांव का हाल देख लिया होगा क्या हुआ है गांव में, कोई इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं। हम तो भाजपा देख ली, कांग्रेस देख ली, अब आम आदमी पार्टी को देखना चाह रहे हैं। हाँ। बदलाव होगा तो कुछ नया होगा। हाँ, देखो जी, बिल्कुल बदलाव होगा तो कुछ नया। मुफ्त बिजली वाले वादे से हम तो देखे गांव का माहौल देख के करे, गांव में हमारे काम ही कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं, उनके होगा, हम तो अपने खुद के मैटर कह रहा हूँ, मैं तो दूंगा सतीश के बाद। सतीश यादव, सतीश यादव जी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सतीश को जी, क्यों पसंद कर रहे हैं सतीश यादव को? केजरीवाल जी हमारी पसंद के, केजरीवाल मतलब उनके प्रभावी थे उनके कामों से। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, अब जेल चला गया, ये वो बहुत कहानियां बन रही हैं। भ्रष्टाचारी तो जी ये है, बाकी के भ्रष्टाचारी तो ये जो ना अभी साबित तो नहीं हुआ ना, उन्होंने कोई भाई चार्जशीट वगैरह दाखिल करी नहीं थी केजरीवाल जी के अगेंस्ट, तो ये साबित तो हुआ नहीं। अब वो राजनीति मैटर है, अब वो उनको क्यों जो ना अंदर डाल लिया है, ठीक है, हम तो देखते हैं वहाँ, हम काम देखते हैं, दिल्ली सर्विस कर रहा हूँ मैं तो वहाँ पे लोगों की। कौन से विभाग में करते हैं आप? मैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस जी, तो अच्छा काम लगा आप? हाँ अच्छा काम लगा, नहीं जी हम देखते हैं, अच्छा काम है वहाँ के, मोहल्ला क्लिनिक देखो आप,
वहाँ के स्कूल देखो, एक्चुअल में बताते हैं ना उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है वहाँ। और वहाँ के लोगों के लिए बिजली पानी वगैरह की, मतलब एक आम पब्लिक के लिए जो ना केजरीवाल द बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, एक आम पब्लिक के लिए अगर चाहेंगे कि वो झाड़ू पूरे हरियाणा में भी फैले। मैं तो चाहूँगा कि वो झाड़ू पूरे हरियाणा में फैले, पहले नहीं आए, आए और चले। हाँ चलिए। और दादा आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? मेरे को तो यही लग रहा है जो ये भाई यार कह रहे भाई, हम हमारा भी यही मकसद है। हाँ। हम भी झाड़ू की देंगे, झाड़ू झाड़ू। कई लोगों से बातचीत की इस गांव में, भाजपा और कांग्रेस का पक्ष ज्यादा लोगों ने रखा है, आप लोगों से बातचीत हो रही है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का रख रहे हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बेस्ट हो सकती है? बेस्ट है ही, वो तो बना के देखेंगे, पता चलेगा जब उसको, मतलब बदलाव की लहर, बदलाव बिल्कुल बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। यहाँ की लोकल समस्याएं क्या होंगी या इस बार मुद्दे क्या रहने वाले चुनाव? मुद्दे यही है, देखो जी गांव में फिलहाल हमारे पक्ष का सरपंच है, बट उसके लिए गांव में डेवलपमेंट के लिए ना कोई खास सरकार की तरफ से कुछ पैसा वगैरह दिया नहीं जा रहा। हम काफ़ी बार गए भी हैं, थोड़ा सा फिर जो हमारे अभी जो चिरंजीव राव जो हालिया में जो विधायक थे, तो उनका भी ज़्यादा वो भी थोड़ा सा पार्टीबाजी पक्ष ज़्यादा रखते हैं, जैसे पार्टीवाद जी। कोई गांव का विवाद हो जाता है तो वो सिर्फ एक तरफा बात सुन के थोड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, विधायक जनप्रतिनिधि सबकी सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई गांव कोई विवाद है वो थाना तहसील तक पहुंच रहा है तो उसमें दोनों पक्षों का थोड़ा सा वो होना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक देख के ही थोड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो होना नहीं चाहिए वैसे तो। सतीश यादव बेस्ट ऑप्शन होंगे और अच्छा विकास कर पाएंगे लगता है? हाँ, सतीश यादव देखो अच्छे आदमी हैं और विकास तो खैर अभी उनका भाई मौका देंगे, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैं सतीश यादव को वोट देंगे। सतीश यादव, अरे आम आदमी के अलावा भी और पार्टियां हैं या निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? सतीश यादव के वोट या और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। दादा क्या कहना है, क्या माहौल रेवाड़ी विधानसभा का, कौन इस बार विधायक बन रहा है? भाई हमारे से विधायक है सतीश यादव। सतीश यादव और वो देख रहे हैं गए थे, जो काम नहीं हो रहा ना यहाँ पे, क्या काम हो रहा है? ये तो चिरंजीव राव भाजपा के 10 साल का शासन रहा, भाजपा कह रही है किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने, दोगुनी ये टाइम पे डीएपी नहीं मिला, वो भाजपा के स्थिति कराओगे हर लाइन मिला के लाख 2000 मिला से रोजगार देने की बात कही, रोजगार दी हमने, रोजगार कित दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दी, महिलाओं को आगे बढ़ा दिया, कोई रोजगार। अभी जो पीछे ओलावृष्टि हुई थी उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 12 या 13 आदमियों के पैसे आए थे, नुकसान पूरे गांव का हुआ था और पोर्टल पे भी नुकसान दिखाया हुआ है, लेकिन पैसे नहीं आए किसी के। क्या कारण मानते हैं? अब ये तो कारण सरकार बताएगी, सरकार की नाकामी। हाँ, और दूसरा सुनो, दूसरा अभी 2000 रुपए के लिए बोला था कि भाई सूखा जो क्षतिपूर्ति का जो है ना वो 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे, उसमें भी जो ना ज्यादा से ज्यादा हार्डली 18-20 आदमियों के आएंगे पैसे, पूरे नुकसान पूरे गांव का हुआ, वो सबका सबको मिलना था, वो पूरे गांव के सब किसानों का नुकसान हुआ, उसमें कुछ ही लोगों को दिया गया। हाँ बस, उसके बाद तो आए नहीं है किसी के पैसे। इसी तरह हम जब फसल बेचने जाते हैं, अब एक एकड़ में जब मान लो एग्जांपल के लिए सरसों 25 से 28 मण निकलती है, लेकिन सरकार खरीदती 20 मण, अब वो 8 मण को जमींदार कहाँ लेके घूमे, किराया भी देना होता है उसको, सारी चीज़ें होती है, वो 20 मण तो वहाँ बेचे और 8 मण जो ना वो मंडी में लेके जाए, उस 8 मण की कोई वैल्यू। किसान अपनी परेशानियों समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन सरकार साथ नहीं खड़ी है। अब उन लोगों को ये पता है कि फसल जो ना, सबको पता है जो फसल के जो भाई वो बैठे अच्छे दाम मिल रहे हैं फसलों के, दाम दूम तो खैर ठीक है बट खरीदे तो दाम मिले ना, खरीद तो नहीं रहे ना पूरा। दादा आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है रेवाड़ी विधानसभा माहौल? और रेवाड़ी विधानसभा का माहौल अब तो चिरंजीव राव का ही लग रहा है, चिरंजीव, सब लोग कह रहे हैं आम आदमी बन रही है, आम आदमी। कल भगवत मान आए सीएम, क्या लगता है माहौल में कुछ बदलाव होगा? कोई हो भाई, मारा तो वो इंद्रजीत बन लिया चिरंजीव राव, ओला पड़ा तो उनको मुआवजा आयो ना, और जो 2000 मिलना था ये आया ना, जमींदार लेके तो कोई सी कुछ ना ले, मार ले कोई सा बन जाओ, देखेंगे। सतीश यादव क्यों देख रहे हैं? उनके काम देख के, काम अब तो विधायक बनेंगे तब काम देखेंगे, देखें अपने पर्सनल काम।
पर्सनल देखे हैं? चिरंजीव ने हमारे गांव में पर्सनली इन्वॉल्व किया है सब कामों में, जो छोटे छोटे काम होते हैं सब में पर्सनली एक आदमी के लिए इन्वॉल्व। बदलाव देख रहे हैं? हाँ जी। ये आइए बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी बताइए क्या माहौल चल रहा है रेवाड़ी विधानसभा का? क्या बताएं बाबू जी, इतना हम तो इंटरेस्ट भी नहीं रखते चुनाव में। चुनाव में नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीति और युवा बड़ा कनेक्शन है सीधा तौर पे। लोग आज के दौर में रोजगार को तलाशते भटक रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारें दावा करती कि हम अच्छे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज भी रोजगार की तलाश करते युवा भटकते दिख रहे हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर आज भटक रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या बोलूं आपको? किसकी बन रही सरकार? देखो अभी हम तो देख रहे दो करीबन 10 सालों से तो बीजेपी राज कर रही है। अब हमारे यहाँ विधायक थे चिरंजीव राव जी, 5 साल से तो वो है, उन्होंने करके भी दिखाया काम काफी। क्या किया उन्होंने? देखो यहाँ हमारे 4-5 गांव के जो लड़के हैं उनको रोजगार मिला है और काफी इंडस्ट्रीज एरिया भी आ गया है इधर भी। तो ये राव चिरंजीव की वजह से आया? नहीं नहीं, कुछ उनकी वजह से भी, कुछ बाकी अदर पार्टी उनका भी है। बीजेपी से? हाँ बिल्कुल। इस बार सतीश यादव आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं कि झाड़ू इस बार अच्छा विकास करेगी, समृद्धि करेगी, क्या लगता है? बाकी हमारे ये भाई साहब बता देंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? जोनी। क्या लग रहा है जोनी की क्या बनने वाला है, कौन बनने वाला है विधायक? देखिए जी इस बार भी ये चिरंजीव राव का ही है। चिरंजीव राव जी। और पार्टियां भी हैं मैदान में, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर यही है कि अपोजिट काम तो देखो चिरंजीव राव ने बहुत करवाया है। इससे पहले उनके पापा थे वो अजय कैप्टन यादव, उन्होंने भी बहुत काम कराया, लगभग 30-35 साल से राज कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पास आ जाइए, सबसे बातचीत करेंगे थोड़ी थोड़ी, और सबसे बातचीत होगी तो चुनावी रुझान क्या है आपका भी जान लेते हैं जी। इस बार भाई, इस बार भी लगभग वही है क्योंकि इस टाइम मेरे गांव में करीबन 7-8 लड़के लगे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, इससे पहले नहीं था यहाँ। भाजपा में लगे हो तो? जी। क्या? भाजपा सरकार में? जी जी। तो भाजपा सरकार अच्छी है? अभी रेवाड़ी में तो देखो जी अपना रेवाड़ी में डामाडोल है मामला, लेकिन सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? चिरंजीव राव की बनेगी। चिरंजीव राव विधायक बनेंगे, लेकिन सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? वो तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तय है जी। आम आदमी पार्टी का झाड़ू? झाड़ू का तो अभी यहाँ तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। घर घर झाड़ू पहुँच पाएगा? नहीं है इस टाइम तो नहीं। चलिए वो लोग हैं, क्या लगता है भैया रेवाड़ी विधानसभा क्या कह रही है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस। कांग्रेस क्यों देख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है थोड़ा। भाजपा के लक्ष्मण ये भी हैं इस मैदान में, चुनावी दंगल में अपनी बात कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का शासन होगा। यहाँ के हिसाब से तो मेरे को कांग्रेस ही लग रही है, क्योंकि कांग्रेस में जैसे रैली वैली ये आसपास ज्यादा लहर है उसकी। सतीश यादव कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बात हो रही है, कई जनता से बात की हमने कि इस बार भाजपा का शासन देखा, कांग्रेस का देखा, बदलाव चाहिए, क्या कहेंगे? मेरे को तो नहीं लगता है बदलाव आएगा। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार की स्थितियाँ बेहतर हैं या और होनी चाहिए? रोजगार तो है ही, जो करना चाहता है उसके लिए तो है, जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए तो कहाँ रोजगार है। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई इधर बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? देविंदर। देविंदर जी बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनावी? चुनाव का जी कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है? बाकी पार्टियों का खाता खुलेगा कि नहीं? मुश्किल है, खाता ही नहीं खुलेगा, लोग साथ ही नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस का ही लग रहा है हमारी तरफ से, यहाँ पे कांग्रेस वगैरह फिर थोड़ा ज्यादा चांस है इस पे। भाजपा को क्यों नाकाम मान? भाजपा मोदी के बड़े बड़े दावे मंसूबे, 10 साल से शासन भाजपा ने किया, फिर आप कह रहे खाता नहीं खुलेगा? तो यहाँ नहीं खुलेगा खाता, गुड़गांव वगैरह में जी। जो लक्ष्मण यादव जी, हम तो उनका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, उनका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम तो। पहली बार सुन रहे हैं तो वोट नहीं मिलेगा उनको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वोट उनको काफी मिलेगा, लेकिन हमने तो उनका नाम पहली बार ही सुना है। क्षेत्रीय को मिलता मौका तो हो सकता है, संभावना बढ़ जाती है। देखो चिरंजीव राव को हम देखो, उसके पिताजी को भी काफी टाइम से, हमारे बड़े बुजुर्ग है वो सारे तो जानते हैं। जिसको मौका मिल गया क्षेत्र में फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या लगता है बदलाव नहीं होना चाहिए?
नहीं बदलाव तो होना चाहिए तो समय के देखो किसी को जानते ही नहीं हम सतीश यादव को नहीं जानते सतीश यादव जी पहले खड़े हुए थे करीबन आज से 10-12 साल पहले जेजेपी की तरफ से आए थे तभी उनसे वो गांव में तभी मुलाकात हुई थी बस उसके बाद जानते तो है ना हाँ उनको तो क्या उनका लग रहा है जनाधार देखो वो तो जी क्या बता सकते हैं नहीं बता सकते चलिए ये क्या नाम है अर्जुन जी बताइए क्या चल रहा है माहौल चुनाव का क्या बताएं जो आ रहा है वही अपने अपनी 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 तो सब कहते हैं अपने अपने दावे होते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन कौन कर सकता है क्योंकि आम आदमी भी है बीजेपी भी है कांग्रेस भी और अन्य पार्टियां भी हैं क्षेत्रीय दल हैं निर्दलीय हैं कौन लग रहा है कौन अच्छा काम कर पाएगा वो जिसकी सरकार बनेगी वो करके दिखाएगा करके तो दिखाएगा आप किसको चुनना चाहेंगे हम किसको चुनेंगे जो काम करेगा उसको चुनेंगे कौन कर सकते थोड़ी ना बता सकते हैं कि भाई खैर आपका मत है लेकिन फिर भी विकास के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार विकास का मुद्दे साहब देख लो ना आप गांव की हालत देख लो स्वच्छता नहीं है बिल्कुल भी नहीं और क्या क्या बताएं टाइम से पावर नहीं आती लाइट की बिजली की दिक्कत है बहुत दिक्कत है और... पिछली बार मैंने 5,000 रुपए बिल भरा था आपके बार 5,900 बिल ज्यादा आ रहा है लेकिन बिजली कम आ रही है बिल्कुल और क्या समस्या है और समस्या ये है कि हमारे गांव का जो स्कूल है ना 5 तक है ये बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए स्कूल की समस्या है और भी बहुत समस्याएं हैं आप क्या कहेंगे भाई कि एक तो सबसे भारी समस्या बिजली की और पानी को कहीं निकाल ही ना आएगा हमने अब बताओ कितनी सरकार आ ली कितनी गई किस पे भरोसा करा किस पे ना उड़ाते दिमाग आती बाहर हो रही है ये बात ठीक है हर बार जो ये सब चीज़ें होती है चुनाव से पहले भाई जो भी आवेगी भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा पानी को निकाल हो जाएगा ये होगा वो होगा जीतने के बाद अभी तक तो कोई निकाल हुआ ना है अब देखो भगवान भरोसे ही अपने कौन होना चाहिए विधायक क्योंकि सतीश यादव आम आदमी से है लक्ष्मण भाजपा से है राव चिरंजीव कांग्रेस से भाई इतनी यह चीज़ बढ़िया बता देगा यहाँ चौपाड़ में बैठक घनाई आदमी वहाँ चल अपना बड़ा बुजुर्ग है जहाँ आप महिला हैं क्या कहेंगी क्या समस्या है इस गांव में समस्या तो जी काफी है अभी तो क्या क्या है सबसे पहली बात तो लाइट की प्रॉब्लम ठीक है लाइट की कितनी कंप्लेंट कर लो कितनी फोन कर लो फोन नहीं उठाई अगर खराब भी हो गया अभी हमारी 1 सप्ताह तक लाइन कटी हुई है बड़ी मुश्किल से जैक लगा कि जब टंकी टिकवाई थी अच्छा हाँ और लाइट की है पानी की है भाई और हम है? तो उसी को वोट देंगे जी हमको जो इंसान बनता दिखेगा और जो करेगा तो कौन करेगा आप बता तो लग रहे हैं जान पूछ आम आदमी का कैंडिडेट भी इस बार है कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे देखो अभी तो लोग बाग भाजपा की कह रहे हैं मुफ्त बिजली की बात हो रही है केजरीवाल की पार्टी वाला जो है सतीश यादव वो कह रहा है कि मुफ्त बिजली देंगे नहीं जी कोई मुफ्त को नहीं 8,000 का बिल आया रखा है अब वो होंगे तब देंगे ना ना जी कोई नहीं करे तो ऐसा नहीं लगता सतीश यादव बनने चाहिए विधायक जी ऐसा तो हो रहा है गांव के अंदर सतीश यादव को पसंद कर रहे हैं लोग हाँ काफी आते हैं सब क्या लगता है सतीश यादव होने चाहिए विधायक होना चाहिए जी हम तो कैसे जो अच्छा इंसान बने अच्छा गाँव के लिए सुधार करे ऐसा इंसान बनो दादा कौन बन रहा है विधायक मैं तो वही हूँ जो आप बोलो मैं तो वही कंपनी के सदस्य वही से जुड़ रहे हैं और हम भी वही है और ये जो बीजेपी और कांग्रेस का क्या देखते हैं देखो जी अभी सरकार क्या करती है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर हाजिर होंगे कल किसी नए प्रकरण को लेकर तब तक के लिए नमस्कार आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ